बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे होंगे। टुडे आज आपका जो है सब्जेक्ट साइंस विद क्लास 5 लेक्चर नंबर 7 है। इसको डिस्कस करते हैं आज हमने इसमें क्या करना है। ओके, प्रीवियस आपको यूनिट नंबर 1 कम्प्लीट करवा दिया था, आज हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना है। टॉपिक इज़ द एनिमल वर्ल्ड, जानवरों की दुनिया, इसके बारे में हम देखेंगे। सब टॉपिक हमने जो आज करना है वो है वर्ड्स मीनिंग। चलें अब इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम देखते हैं। एनिमल वर्ल्ड में आपने क्या करना है, अगर मैं इसके पहले पॉइंट्स डिस्कस करती चलूँ उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये लाइफ साइकिल मैंने यहाँ पर क्यों ऐड किया और किस लिए ऐड किया। फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है, आपको पता है किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं एक पैटर्न के हिसाब से सजेस्ट, यानी कि अच्छे तरीके से कहीं रखते हैं। अगर हम एनिमल्स वगैरह की बात करें तो हर एक को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया है, तो यहाँ पर उस सेंस में क्लासिफिकेशन जो है यूज़ होगा। ये आपका पहला पॉइंट है इस चैप्टर में। सेकेंड आप डिस्कस करेंगे द एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम को डिस्कस करेंगे, इसमें जो प्लांटी और एनिमिलिया अगर हम बात करते चलें तो वो आपके लेवल के हिसाब से दोनों किंगडम्स को इसमें देखेंगे। थर्ड इज़ मैमल्स। मैमल्स के बारे में पढ़ेंगे, मैमल्स क्या होते हैं। फोर्थ अगर आपकी बात करते चलें तो हमारे पास आ जाएंगी रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड फिश। फिफ्थ आपके पास पॉइंट आएगा एम्फीबियंस एंड आर्थ्रोपोड्स। एंड सिक्स में आपके पास चला जाएगा अदर इन्वर्टिब्रेट्स। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ, अगर हम इस पूरे चैप्टर की एक कह लें कि समरी है तो वो आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताना बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए आपको ये थोड़ी सी डायग्राम ऐड की है। ओके, सबसे पहले अगर आप देखते हैं लाइफ साइकिल तो आप देख सकते हैं एग्स हैं, एग से बन रहा है टैडपोल। टैडपोल ये अगर हम फ्रॉग की सिंपल लाइफ साइकिल की बात करें, हर एक स्पीशी का लाइफ साइकिल जो है दूसरी से डिफरेंट होता है, ये भी आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर एक जस्ट आपको समझाने के लिए हमने फ्रॉग का लाइफ साइकिल जो है ऐड किया है। एग से आगे जाता है टैडपोल, टैडपोल से आगे फिर टैडपोल विद टू लेग्स, यू कैन सी ऑन द राइट साइड ये टैडपोल विद टू लेग्स। आफ्टर डैब आप देख सकते हैं टैडपोल विद फोर लेग्स, उसकी जो है चार टांगे बन गई हैं, डेवलप हो गई हैं। आफ्टर डैब यू कैन सी फ्रॉगलेट। ओके, ये एक मतलब छोटे से थोड़ा सा मेच्योर फ्रॉग बन गया है। आफ्टर डैब यू कैन सी लास्ट में क्या हो जाता है, वो एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है। चलें देखते हैं अब इस चैप्टर में आपके इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग कौन से हैं। ओके, फर्स्ट इज साइंटिस्ट, साइंसदान। सेकंड ऑर्गेनिज्म, जानदार। स्पाइन, स्पाइन होती है रीढ़ की हड्डी। ओके, बैकबोन भी आप उसको मोस्टली कॉमन जो है यूज़ करते हैं वर्ड। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों को कहते हैं। और इनवर्टिब्रेट भी मोस्टली वर्ड यूज़ होता है, उसका भी बता दो, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। आफ्टर डैट यू हैव रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स होते हैं रींगने वाले जानवर, फॉर एग्जाम्पल लिजर्ड आपने देखा होगा, वो रींगी रही होती है आपकी दीवार पे, क्या पता आप जहाँ बैठे सुन रहे हो लेक्चर उधर भी कहीं हो, यू कैन सी देख लें कहीं इधर हो सकती है। ओके, उसके बाद है आपके पास स्केल्स। स्केल्स हम कहते हैं मछली के छिलके। छिलके से मुराद ये नहीं कि मछली को छीलना बैठ जाए। अच्छा, दूसरी बात हम करते चलते हैं स्केल्स की। स्केल्स जो होते हैं आप देखा होगा, अगर आप कहीं मछली बाजार के पास से गुजरे होंगे तो आपको वो एक नज़र आता है फिश के ऊपर, वाइट वाइट कलर के काफ़ी किस्म के बने होते हैं, उसको हम कहते हैं स्केल्स। या अगर आपके घर में भी फिश आती है, साफ करती है, मदर करती हूँ, आप तो कहाँ से करते होंगे, तो वो क्या है उसमें स्केल्स आपको नज़र आते हैं वाइट कलर के। उसके बाद है करेक्टरिस्टिक्स, खसूसियात। ओके, करेक्टरिस्टिक्स हैं खसूसियात, किसी के अंदर कोई क्वालिटी होती है वो भी आप देख सकते हैं। फिन्स, फिन्स बाजू, आपके बाजू की बात नहीं हो रही यहाँ पर, फिन्स का वर्ड जो है किस लिए यूज़ हुआ है, फिन्स का वर्ड यूज़ हुआ है फिश के लिए, फिश के जो हम कह सकते हैं ना आप उसको नज़र करें फिश के बाजू, तो वो उसके लिए फिन्स का वर्ड यूज़ होता है। आपके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है, आर्म, यस यू आर राइट। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट कहा जाता है कीड़ा मकौड़ा। ओके, उसके बाद है लास्ट पे आपके पास विंग्स। विंग्स कहते हैं पंख को या पर को, आपके पर नहीं परिंदों के पर की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। चलें ठीक है जी, आज का काफ़ी ज़बरदस्त लेक्चर था, एंड करते हैं इसको और इसको वन टाइम लर्न करें, राइट करें, घर में रहें, अपना ख्याल रखें, हमारे लिए दुआएं करें। अल्लाह हाफिज़।